class 12th ka maths, and we are on chapter number 1 and we are doing miscellaneous exercise. So miscellaneous exercise mein hum question 18 tak kar chuke hain and now we are doing question number 19. Question 19 mein dekhte hain sabse pehle hume kya given hai and kya find out karna hai, right? So number of binary operations on the set A, B, R. Ek set hai humare paas A, jisme do elements hain A, B. Is set ko maine A name de diya, right? To hume number of binary operations batana hai jo is set pe binary operations matlab kitne ho sakte hain, right? Number of binary operations on set this R. तो ऑप्शंस हमें चार ऑप्शंस गिवन हैं, हमें बताना है व्हिच इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? तो ऑप्शंस में देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है. 10, 16, 20 एंड 8, ये चार ऑप्शंस दिए हैं और हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस on set this, ठीक है? इस set को मैंने क्या ले लिया है, set A ले लिया है, right? तो number of binary operations कैसे find out करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं, right? Binary operation क्या होता है, star मान लीजिए कोई binary operation है, तो binary operation होता है कुछ इस type का, A cross A से ए तक, यानी कि जब हम कोई दो एलिमेंट्स यानी कि एक एलिमेंट ए से दूसरा भी ए से, उन पर अगर हम स्टार ऑपरेशन लगाते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है ना, कोई एलिमेंट सी वो किससे बिलोंग करता है, यहाँ ए से, राइट? तो बेसिकली यहाँ पर स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन हमारा, वो ए क्रॉस ए से ए तक का कोई फंक्शन हम बोल सकते हैं, राइट? तो अब नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे सेट ए में. सेट ए ये गिवन है, राइट? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है? अब हमारा ये जो डोमेन वाला सेट है कि क्या है, ए क्रॉस ए है, तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए. जब हमने बात की थी अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट, हमने देखा था कि ए क्रॉस बी अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, उसमें एलिमेंट्स हम कैसे निकालते हैं, एन ऑफ ए मल्टीप्लाई, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट इन टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड सेट. यहाँ पर सेकेंड सेट भी क्या है, ए ही है, राइट? तो 2 into 2, तो मेरे पास ये जो हमारा डोमेन यहाँ पर है n, मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए, 4 आ गए, राइट? चार नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए किसमें, हमारी डोमेन में, ठीक है? अब बात करते हैं इसकी, ये है हमारी को डोमेन, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास चार एलिमेंट्स हैं, ये अभी अभी मैंने फाइंड आउट किया, और ये जो हमारी को डोमेन है इसमें हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है? अब जब हम कोई रिलेशन चेक करते हैं, कोई रिलेशन की जब बात करते हैं या कोई फंक्शन की जब हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि अगर वो ए से बी तक है, ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ उसका नंबर, रिलेशंस के नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं एन बी रेज टू पार एन ए. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस रेज टू पार नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस, तो हमारे पास यहाँ से नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस इज इक्वल टू आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस ए रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए, राइट? तो हम लिख देते हैं, हमने ये फाइंड आउट कर लिया है दोनों चीजें, तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ए में, 2, और उसकी पावर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए, दैट इज 4. तो 2 raised to power 4 हमारा आंसर आ जाएगा. अब हमने देखा कि ऑप्शंस में 2 raised to power 4 तो नहीं है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या वैल्यू आएगी,
2 2 4 4 2 8 8 2 16 यानी कि 2 raised to power 4 होता है हमारे पास 16 तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस फाइंड आउट करना था ऑन अ सेट ए फिर हमने देखा कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं सेट ए में हमारे पास 2 एलिमेंट्स थे राइट यहाँ पर एन ए आ गया 2 अब हमें पता है कि जब हम बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं तो ये जो हमारा फर्स्ट सेट होता है दैट इज़ डोमेन तो डोमेन में हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं क्योंकि हमें ए और बी लेना होता है ए और बी लेंगे 2 एलिमेंट्स तब उन्हीं के बीच में तो हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे राइट तो हमें ऑर्डर्ड पेयर्स की ज़रूरत होती है डोमेन में तो ए क्रॉस ए से ए तक होता है ठीक है तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन हम कैसे निकालेंगे एन ऑफ ए यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए और वो हमने देखा कितना आ रहा था 2 raised to power 4 और 2 raised to power 4 इक्वल होता है 16 के सो इस क्वेश्चन का जो है हमारा आंसर वो हो गया सेकंड इसका जो ऑप्शन था दैट इज ऑप्शन बी और आंसर था 16 तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 यहीं पर हमारी एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है राइट ये था लास्ट क्वेश्चन